Hi guys, welcome to the channel. I'm doing something to my hair. So this is how my hair look like right now. और अभी मैंने ये स्ट्रेट कर रखे हैं. अगर आप लोगों ने नेचुरल टेक्सचर देख लिया तो इट्स लाइक वेरी वेरी बैड. तो इसलिए मैंने अभी स्ट्रेट कर रखे हैं. बट आई एम थिंकिंग टू गेट देम कलर्ड एज अभी ये बिल्कुल ब्लैक है. और मेरे घर के यहाँ वाले लोग चुप ही नहीं हो सकते हैं. कैसे होगा ये का? तो मैंने इससे पहले एक बार कलर कराया हुआ है. जब मेरा कॉलेज जस्ट स्टार्ट होने लगा था, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जा रही थी, तब मैंने कलर कराया था. एंड यू गाइस वोंट बिलीव मैंने कौन सा कलर कराया था. इट वॉज रेड. मैंने रेड कलर करवाया था जो कि इतना एम्बैरेसिंग हुआ था. क्योंकि मैं जब वो जिम करती थी ना और मैं स्वेट करती थी, तो मैंने एक दिन ना येलो कलर की टी शर्ट पहनी थी और वो सारा रेड कलर मेरी येलो वाली टी शर्ट पर निकल गया. उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया कि मैं कलर नहीं कराऊंगी, क्योंकि वो इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरे लिए. बट अब बहुत साल हो गए हैं, इट्स ऑलमोस्ट बिन लाइक 2.5 ईयर्स. तो अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे कुछ चेंज आ जाए लाइफ में. तो अब मैं आई एम थिंकिंग टू गेट सम कलर डन. ऑब्वियसली थोड़ा ब्राउन टोन ही होगा. और मैंने तो जो पिंटरेस्ट पे पिक्चर देखी है, मैं वो यहाँ डाल दूंगी. और फिर लेट्स गो, लेट्स सी कि क्या होता है. आई होप अच्छा हो और कुछ बहुत मैं बहुत सुंदर सी बन के निकलूँ. सो मम्मा, न्यू यूट्यूबर प्रॉब्लम्स. अब मैं भी यूट्यूबर हूँ. हेडेक. ओके सो ये चुप हो जाओ आप. शी स्टोल माय यार. व्हाट द हेल निकिता. शी स्टोल माय चैनल. Guys, don't this is my OOTD. Don't subscribe to her channel. क्योंकि वहां पे भी कंटेंट तो मैं ही बनाती थी. तू नाला खोल लिया. हाँ. तेरे को मैंने कहा था ना मेरे साथ ही कर ले. मैं दिखा दूँ लोग अपना OOTD. इंस्पिरेशन ले ले वो मुझसे थोड़ी. ले ले. इंस्पो. गाइज इसने मुझे चैलेंज दे दिया. लेट्स प्रूव हर रॉन्ग. ओके सो दिस इज माई आउटफिट. दिस टॉप इज फ्रॉम ज़ारा. The pants is from H&M. और मुझे तो लग रहा है मैं काफी अच्छी लग रही हूँ. और अब बहुत लेट हो रहा है. So let's go. Bye. So finally I'm in the car. और अभी 3:30 हो गए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी लेट पता नहीं मेरा होगा भी नहीं है या नहीं होगा. पर मैंने बहुत सपने सजा लिए हैं तो अब होना ही पड़ेगा. How do you feel? Excited. Yeah. Yeah. अब मुझे एक घंटा वेट करना है और ये बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है. बट आई होप ये वर्थ इट हो. व्हाट डू यू थिंक? सुन नहीं पा रहे वैसे हम तुझे, पर हमें जरूरत भी नहीं है सुनने. मामाई तुम्हारी भी अपना कलर करा रही है. दिखाना मासी. यार मम्मी बस कर. ये यहाँ पे मेरी हेल्प करने नहीं आई है, सिर्फ खाने आई है. कैसी चल रही है तेरी पाड़ी? खचरे यहाँ के छपरी खचरे सब यही हैं. तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग एंड अ वेरी वेरी टायरिंग डे, इट टुक मी ऑलमोस्ट अबाउट 5.5 आवर्स. और अभी मेरा कोई कलर नहीं दिख रहा है. कोई कलर नहीं दिख रहा अभी मेरा. कोई नहीं, मैं कल सनलाइट में दिखाऊंगी. लाइट में देखे. हाँ तो अब हम आए हैं अपनी फेवरेट स्पॉट पे, दैट्स बिग बुक. और हम यहाँ पे खाने वाले हैं पैनकेक्स और कोल्ड कॉफी, जो हमारे यहाँ की फेवरेट है. फेवरेट, आई लव इट. सो दैट्स आवर फेवरेट कॉफी एंड पैनकेक्स. कौन से पैनकेक्स हैं ये? ये है पैन न्यूटेला एंड वाइट चॉकलेट. दे लुक सो गुड. आई नो. कांट ईट.
इट आई लव इट इतना विजिबल नहीं आ रहा ना कैमरा पे वेट लेट मी सी सेम पोजिशन अनदर डे तो आज डे टू है एंड आई नो मैं कल अपना फाइनल लुक दिखाया ही नहीं क्योंकि मैंने सोचा कि मैं घर जाऊंगी और घर जाके मैं सबका रिएक्शन लूंगी एंड आई कैप्चर दैट लेकिन जब मैं घर पहुंची तो सबने मुझे बोला कि मेरा कलर बहुत ज़्यादा वो है मतलब मीडियम टोन पे है मीडियम टोन इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा डार्क है तो वो मेरे ओवरऑल कलर के साथ मर्ज कर रहा है और मेरा कोई इतना अच्छा मतलब इतना कलर दिख नहीं रहा अभी मैं बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट पे बैठी हूँ ठीक है और सी दिस इज माय हेयर कलर जो कि ऑलमोस्ट मेरे का ही हेयर है सी आप साइड से ऐसे देख सकते हो कि कलर दिख रहा है लेकिन अगर आप मुझे वैसे देखोगे तो कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं है आपने शायद लास्ट क्लिप में सुना भी होगा कि मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ कि इतना कुछ मेजर चेंज आया नहीं और मैंने कलर मेरे को मेजर चेंज चाहिए तो अब मैं दोबारा जा रही हूँ कि मेरे को इसको थोड़ा सा लाइट कर दो ताकि मैं डिफरेंट लगूँ और अभी भी जैसे कि आई एम टॉकिंग टू यू गाइस तो भी आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल मतलब मेरा ही शेड लग रहा है बिल्कुल ब्लैक ही लग रहा है तो मैं दोबारा जाती हूँ और फिर से देखते हैं कितना टाइम लगता है कितनी लंबी प्रोसेस होती है और फिर लेट्स सी कि क्या निकल के आता है So, come with me to the day 2 of this adventure of my hair color. और मुझे नहीं पता था कि ये डे 2 पे शिफ्ट हो जाएगा आई थॉट ठीक है कल जो मैंने अच्छे खासे अपने 5-6 घंटे लगा दिए उसमें हो जाएगा काम बट अब हो गया है तो ठीक है लेट्स सी और अभी मैं ऐसी लग रही हूँ आप देख लो ऐसा कलर है उसके बाद देखते हैं कि अब जब मैं अप करा के आती हूँ तो अब कलर आता है या नहीं आता सो लेट्स गो लेट्स सी So it's day 2 and we're still here. Back to our favorite spot. Big book. खा दियो आप लोग अपना पूरा proper hair color क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा. खुशबू इतनी अच्छी आ रही है मेरे बालों में से. आती है. हाँ मुझे पता है. So I'm back home. मैं अभी एक घंटे पहले ही आई हूँ और आज का प्रोसेस काफ़ी क्विक था मतलब विद इन एन आवर हो गया क्योंकि जस्ट जो कलर था उसी को ही एनहांस करना था मतलब मैं एक शेड लाइटर गई हूँ और नाउ दिस इज द फाइनल कलर पर आई गेस अब तो दिख रहा है कलर आई रियली लाइक इट नाउ सो लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मेरे को लगता है कि दैट आई शुड रियली टेल यू गाइस तो जो ये कलर है ये मैंने करवाया है गीतांजलि से और ये मैंने करवाया है AGCR जो मेरे घर के पास ही है वहाँ वाले गीतांजलि से और लेट्स टॉक अबाउट सर्विसेज फर्स्ट तो उनकी सर्विसेज एक्सट्रीमली अमेजिंग है मतलब उनका जो स्टाफ है वो बहुत बहुत अच्छा है बहुत ज़्यादा दे आर वेरी फ्रेंडली दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं वहाँ का स्टाफ वहाँ का जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा आपका टाइम कहाँ गया और वो आपका जो भी कंसर्न होगा जो भी वो तब तक आपके कंसर्न को सॉल्व करते रहेंगे जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते अगर आप में से भी कोई जो यहाँ पे रहता है इस साइड पे और वो सोच रहा है हेयर कलर कराने का आई हाईली हाईली रिकमेंडेड बहुत अच्छा है यू गाइज डोंट रिग्रेट उनके आई गेस सारे ब्रांचेस की प्राइसिंग सेम ही होगी व्हेन इट कम्स टू द हेयर सर्विसेज तो मैंने दो ट्रीटमेंट्स कराई हैं मैंने ट्रीटमेंट इन द सेंस मैंने दो सर्विसेज ली हैं मैंने कलर भी करवाया है एंड दिस इज हाइलाइट्स है उसके अलावा मैंने बायोटिन ट्रीटमेंट ली है जिससे ये मेरे बाल स्ट्रेट और स्मूथ रहे क्योंकि कलर के बाद जनरली बहुत ड्राई हो जाते हैं तो ये दोनों की दोनों मुझे जो है वो 12,000 की पड़ी है इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस एवरीथिंग मुझे 12,000 की पड़ी है और मुझे लगता है काफ़ी वर्थ इट है अगर मुझे दोनों ट्रीटमेंट्स 12,000 की पड़ रही हैं सो आई जस्ट क्विकली शो यू कि उन्होंने मुझे क्या रिकमेंड किया सो दिस इज द शैम्पू दैट ही रिकमेंडेड देन दिस इज अ हेयर मास्क कंडीशनर एंड दिस इज सम सिरम मोरक्कन ऑयल सिरम और ऑब्वियसली इन सब के प्राइजेस डिफरेंट थे इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन इट
और ये तीनों चीज़ें मुझे टोटल 5,450 की पड़ी है. सो आई अग्री, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है अगर ओवरऑल प्रोसेस देखी जाए तो, क्योंकि 12,000 वो देन ऑलमोस्ट 5,500 ये, तो इट इज़, अगर आप ऐसी किसी चेन से करवाते हो गीतांजलि या लुक्स, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इतने प्राइजेस तो लगेंगे. बट आई बिलीव दैट हेयर वगैरह के साथ थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए. तो आई रियली, मतलब मेरे को लगता है कि ये सब वर्थ इट है. रियली लाइक हर हेयर. मुझे लगता है कि काफ़ी इसमें ना, मतलब पूरी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंज आ गया. पर्सनैलिटी इज़ वेरी इन्हांस्ड एंड आई थिंक वॉल्यूमिनस भी लग रहे हैं इसके बाल. पहले तो बहुत ही पतले से लगते थे, बट नाउ इट इज़, आई रियली लाइक इट. चंदन हो चुके हैं मुझे कलर कराए हुए, लेकिन मम्मी इतनी बिजी रहती है कि मैं अभी तक उनका रिएक्शन ले ही नहीं पाई. तो फाइनली मैंने मम्मा को बिठा लिया और मैं अभी सो के उठी हूँ. मैंने उठते ही बोल दिया कि मम्मी अभी भी जा रही है. इससे पहले मम्मी फिर से चली जाती, मैंने सुबह उठते ही बोला कि मुझे फटाफट से पहले अपना रिएक्शन कैप्चर करवा दो. चलो बोलो फटाफट, कैसा लगा आपको मेरा कलर? बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा. मैंने कोई पेपर थोड़ी पास किया है. सुंदर तो पहले ही थी, अब और सुंदर लगने लगी, अच्छी लग रही. माँ की निगाहों में बच्चे हमेशा सुंदर ही होते हैं मम्मी. नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब इससे ना तू स्मार्ट लग रही है. अच्छी लग रही है, बड़ी लग, अच्छी लग रही है. और आपको उनकी सर्विसेज कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. मेरा तो खुद मन कर रहा है कि मैं भी वहाँ जाके एक सर्विस जरूर लेके आऊँ. है ना, तो आप तो लोगों को जाना चाहिए ना. बिल्कुल, अच्छा है, बहुत अच्छा. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. बहुत एडवेंचरस वीडियो थी. कम ऑन गाइज, मैंने बहुत मेहनत करी, ठीक है, मैंने हर एक एक चीज करी. और ये तो फाइनली, मैं तो बहुत खुश हूँ. आई होप आप लोगों को भी पसंद आया हो ये व्लॉग. सो इफ यू लाइक एनी बिट ऑफ इट एंड इफ यू थिंक इट वॉज वर्थ स्पेंडिंग योर टाइम ऑन माई वीडियो, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. एंड आई रियली वॉन्ट दिस थिंग टू वर्क. सो हिट द लाइक बटन ओनली इफ यू लाइक दैट. And leave a comment, any suggestion, any recommendation. I'm open to everything. I will try my best to bring something better, something more interesting next time. So stay tuned and bye. I'll see you in my next one.